हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि D2D लेटरल एंट्री काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ गया है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा कि आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है, फिर अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा कि अपग्रेडेशन मतलब होता क्या है। देखिए, आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे थे तब आपने चॉइसेस भरे हैं। सबसे पहले BID सिंधरी को रखा होगा, फिर उसके बाद USET हजारीबाग, इस तरह से चॉइसेस फिलिंग किए होंगे जो भी आपका स्ट्रीम है, जो भी ब्रांच है। फिर आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कोई USET हजारीबाग अलॉट हो गया, ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट चॉइस रखे थे BIT सिंधरी को, जो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब चाह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले चॉइसेस मिले जो आप ऊपर में भरे हैं। आपको USET मिला लेकिन आप चाह रहे हैं कि BIT सिंधरी मिले, तो उसको अपग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और अपग्रेडेशन के लिए क्या करना है। ठीक है, यदि किसी को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला है तो उसको सेकेंड राउंड में जाने के लिए उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड में चले गए हैं। ठीक है, जिनको सीट मिला है वो यदि अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो मैं आगे प्रोसेस दिखाऊंगा, और जिनको सीट मिला है और उसको चॉइस है कि उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको साइट में चले जाना है। क्रोम में JCECV टाइप करके आप साइट में पहुँच जाएंगे। JCECV के साइट में पहुँचने के बाद आप देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, फिर देखिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, उस पर क्लिक। फिर आप स्क्रॉल करके ये देखिए इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री लॉगिन, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आपको देना है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के। देखिए मैंने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल दिया, फिर मैंने लॉगिन किया, तो आप इस तरह के इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। इसमें देखिए हमको कॉलेज मिला है, और उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें फ्रेंड्स। ये देखिए आपको जो भी कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, उसमें आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, इसको अपग्रेडेशन एग्रीड बोलते हैं, और सेकंड ऑप्शन है एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। फ्रेंड्स ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझिए। पहला है एक्सेप्ट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन का मतलब होगा कि आपको जो सीट अलॉट हुआ, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मेरा सेकंड राउंड में जो हम पहले चॉइसेस भरे हैं, फर्स्ट में जो चॉइसेस रखे हैं जैसे BIT सिंधरी वगैरह जो है वो हमको मिले, और आपको कोई और कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपग्रेडेशन। सेकेंड राउंड में आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी था चॉइसिस का वो मिलने के लिए इसको अपग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब जो सीट आपको मिला वो उससे आप सेटिस्फाइड है, आप एक्सेप्ट किए हैं और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट होना नहीं चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप एक्सेप्ट कर लिए सेकंड वाला में टिक करके, और आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, पे कर लीजिए पेमेंट वगैरह सारा कुछ। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो है एक्सेप्ट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब जो सीट आपको मिला वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए आप इच्छुक हैं
और आप अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब यदि आपको आपके रैंक के हिसाब से यदि आप फर्स्ट वाले चॉइसेस मिलते हैं तो आपको वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस ही इम्पॉर्टेंट है, यही समझना आप लोगों को ज़रूरी है। और जो भी आपको पसंद है चॉइसेस से आप यहाँ टिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन में टिक करूँगा, क्योंकि हमको जो सीट मिला है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हालांकि वो सीट मेरा रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जो फर्स्ट फर्स्ट में चॉइसेस भरे हैं वो चाहते हैं कि यदि मिल जाए तो अच्छा होगा। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन टिक करते हैं यहाँ पे। तो मैं यह फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करता हूँ, क्योंकि हमको सेकंड राउंड में जाना है और अपग्रेडेशन चूज़ करना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, पे फी, मतलब जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है आपका, वो आपको बोलेगा सबमिट करने। देखिए पे एडमिशन फ़ी, तो यहाँ पे आपको पे कर देना है। यदि आप वो सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो आपको मिला है तो यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। मैं इसी तरह का अपडेट्स इस चैनल पे देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।